पड़ुआ बैठा हुआ है, उसकी औलादे तो है नहीं है, उसको क्या लेना बेटियों से, किसी की बेटी से, उसने अपनी बीवी को छोड़ के बैठा हुआ है वो तो, और महिलाओं से उसे चाहे दलित कई योजनाएं चला रहे हैं महिलाओं के, क्या योजनाएं चला रहे हैं, कोई योजना कोई पूरी नहीं हो रही जब से मोदी राज आया है, जब से हर चीज में आपने, आप खुद, आप तो मीडिया के रिपोर्टर हो, आप तो हर चीज देख रहे हो भैया, आपको तो सारा पता है कितनी महिला सुरक्षित है, कितने आप लोग भी कितने सुरक्षित हो, आप भी अपनी मर्जी से कुछ भी लाइव नहीं कर सकते हो, बताइए ना। मंत्री बनाई है जो महिलाएं वो भी नहीं बोल रही है, कोई भी नहीं बोल रही है, 11 की 11 समृद्धि रानी रोड पे आ जाती थी जरा सा कुछ होता था, लेकिन इस समय तो वो भी दरवे के अंदर घुसी बैठी है, उनको शर्म नहीं आ रही है कि बेटी के साथ में क्या हो रहा है, कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो सारे झोले डंडा लेकर रोड पे आ जाते हैं, लेकिन अब ये लोग निकल के नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं बोल पा रहे, क्यों नहीं बोल पा रहे, यही तो पूछना है, यही तो पूछना है इन मंत्रियों से कि आप एक महिलाएं हैं, सबसे पहले आपको एक महिला का दर्द इन मंत्रियों को होना चाहिए, इन सबने चुप्पी साध रखी है, बताओ एक सांसद में इतनी महिलाएं और वो भी चुप, मोदी और शाह की गुंडागर्दी की वजह से महिलाएं नहीं बोल रही हैं, अगर महिलाएं होंगे महिलाएं नहीं बोलेंगी तो ऐसी महिलाओं को तो सांसद से नीचे उतार दो। लेकिन जितने पिछले एक साल से कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है, जो अपने विपक्ष की भूमिका निभा रही है, पहले ऐसा नजर नहीं आया, क्या वजह थी? भी कांग्रेस पहले भी ऐसे ही दिखती थी, वो विपक्ष में है तो इन्हें हमेशा बोला जाता था कांग्रेस तो जमीनी स्तर पे राजनीति करती नहीं है, अब आजकल कांग्रेस जमीनी स्तर पर ही खड़े होकर राजनीति कर रही है ताकि इनको जवाब मिले कि कांग्रेस मूल जड़ से जुड़ी है। एक बात बताइए मैडम, एक सवाल है, ये सरकार चाहे किसी की भी अनेक योजनाएं चलाती है महिला सशक्तिकरण के लिए, लेकिन वो जमीन पर नजर नहीं आती, ये बैठे हुए पैसे वालों की सरकार है ना, जमीन पे कहां से नजर आएगी, गुंडों की सरकार है, ऊपर हवा में ही रहती है, जमीन पे तो इनको जुड़ना नहीं है, बता दो कितनी महिला सांसद बाहर आके निकल रही हैं, कहीं खड़ी दिख रही हैं, पहले टाइम पे तो चूड़ियां बेचती थी मनमोहन सिंह जी को, संसद घेराव करोगे, उम्मीद तो पूरी है कि यहाँ से हम संसद जाएंगे, इस बार तो हम बैरियर तोड़ के जाएंगे, कर लो आप डिटेन जितना करना है, अरेस्ट करो हमें, हम नहीं डरते आपसे, राहुल जी की आवाज है और हमेशा बढ़ती रहेगी, उठती रहेगी, और हम इस बार संसद का घेराव करके छोड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी से क्या कहोगे मोदी जी से? सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, आप अगर आपको बेटियों का दर्द है तो कृपया बाहर निकलिए और इस पे कुछ कमेंट्स कीजिए, उस बेटी को न्याय दिलाइए, चाहे बेटी किसी की भी हो, एससी की, एसटी की, ओबीसी की, माइनॉरिटी की, स्वर्णों की, किसी की भी हो, लेकिन बेटी बेटी ही होती है, अगर बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी तो या ना बहुएं होंगी, ना या इंजीनियर होंगे, ना या पायलट होंगे, कोई नहीं, महिलाओं के बिना ये देश तरक्की नहीं कर सकता, तो मोदी जी बाहर आइए और क्या कहते हैं इस बेटी को न्याय दीजिए। हम लीजर ऐसे अत्याचार होते क्यों वहाँ के? एक्चुअली में क्या है कि दलित की बेटियों गरीबी भी एक कारण है क्या? गरीबी तो बहुत बड़ा कारण है, बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लोगों के पास कोई काम धंधे रहे नहीं है, कुछ कोरोना की वजह से चले गए, कुछ मोदी सरकार की वजह से चले गए लोगों के काम, बेरोजगार होके युवा घर पे बैठे हैं, अब जब युवा घर पे बैठे हैं तो कहीं ना कहीं तो उनको बाहर निकलना है ना कुछ करने के लिए, हवा पानी चेंज करने के लिए, उस वक्त में वो दलित की बेटी को अपना बनाते हैं, मोहरा बनाते हैं और उनके साथ रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, उनको पीड़ित करते हैं। हमारी आज यही मांग है कि राहुल गांधी जी जिस लड़की के लिए, 9 साल की लड़की के लिए न्याय मांग रहे हैं, वो उन्हें मिलना चाहिए, उसके दरिंदों को जिन्होंने उसके साथ ये दुष्कर्म किया है, उसकी बॉडी को जलाया गया है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जब ऐसे 2-4 लोगों को सड़क पे सज़ा मिलेगी ना, तब बलात्कार के केस खत्म होंगे। अभी कल ही रात को त्रिलोकपुरी में 6 साल की बच्ची के साथ हो गया, ये दिन पर दिन बच्चियों के साथ दरिंदगी बढ़ती जा रही है। मोदी सरकार कर क्या रही है? चुप्पी साध के बैठी है, इतनी सारी महिलाएं उनकी सांसद हैं, कुछ नहीं बोलती। आज का मुद्दा सिर्फ दलित बच्चियां हैं या सारी बच्चियां? देखिए जी, सारी बच्चियां, दलित नहीं, बच्चियां कोई भी हो, चाहे वो दलित की हो, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे वो किसी भी समाज से हो, बेटी बेटी ही होती है। तो आज की आवाज सब बेटियों के लिए है, उसमें हम भी हो सकती हैं, ये भी हो सकती हैं, ये भी हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है। लेकिन मैडम, इस देश में दलितों की जान ना दाल से भी सस्ती है। नहीं, ये आप कह रहे हैं कि ये दुनिया मोदी सरकार में, मुझे तो लगता है कि दलितों की जान सस्ती होगी। जब हमारी सरकार थी हम तो सबको एक बराबर ही लेके चलते थे, हमारे काम में तो इतने रेप भी नहीं होते थे, एक निर्भया कांड हुआ था तो ये यहाँ से राष्ट्रपति भवन पहुँच गए थे सारे के सारे जने, और उसी निर्भया कांड को लेके सत्ता में आए थे। तो क्या रेप में भी जातिवाद देखा जाता है क्या? अब ये गवर्नमेंट देख रही है ना, ये गवर्नमेंट देख रही है रेप के अंदर, कि अगर दलित की ये बेटी है तो इसीलिए तो ये न्याय नहीं दे रहे, अगर इनकी स्वर्ण की होती तो अब तक तो ये पता नहीं क्या से क्या कर देते, जब इनको ये पता लग गया ना, अरे वाल्मीकि है, वाल्मीकि क्या करेंगे, सफाई करते हैं, मल उठाते हैं, इनको क्या न्याय देना, ये आवाज कहां तक? राहुल जी ने इसको समझा कि
क्योंकि राहुल जी हमेशा गरीबों के साथ रहे हैं, इसीलिए उनको इस आवाज़ को उठाया, उन्होंने ट्विटर पर अपना कमेंट दिया तो इन्होंने उनको ट्विटर ही ब्लॉक कर दिया, क्योंकि किसी की आवाज़ उठाना इस सत्ता को शोभा नहीं देता है। लेकिन मैडम, इसी देश में निर्भया कांड होता है, पूरे देश की जनता सड़कों पर कैंडल मार्च लेकर निकल जाती है, लेकिन इस केस में ऐसा नजर नहीं आया। इस केस में इसलिए नहीं आया क्योंकि इस केस में कैंडल मार्च भी हुई, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट भी हुए और जगह भी सबने अपने अपने जिलों में प्रोटेस्ट किए 9 साल की बच्ची को न्याय दिलाने के लिए। वो बात एक है कि मोदी सरकार की गवर्नमेंट जो है वो मोदी सरकार की है, तो मोदी जी की वजह से भी आधे से ज्यादा लोग नहीं निकल रहे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो उस लड़की को न्याय दिलाने पर लगी हुई है। अब कांग्रेस पार्टी को देखते और भी कुछ दल साथ में मिलने वाले हैं कि ठीक है ये चीजें बंद होनी चाहिए इस देश में। हैदराबाद में डॉक्टर लेडी के साथ रेप होता है, उसको जला के मार दिया जाता है, लेकिन पुलिस न्याय हुआ, पुलिस वहाँ पर एक्शन लेती है, एनकाउंटर कर देती है, लेकिन यहाँ नजर नहीं आता है, यहाँ नहीं करते, यहाँ तो दबे बैठे। बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ पर पुलिस जो है ना वो मोदी के जेब में है तो वो कोई एक्शन नहीं लेती। क्यों? उसका रीजन ये है कि गवर्नमेंट पुलिस शाह के कहने पर चलती है, और शाह कौन है? खुद में एक बहुत बड़ा गुंडा, ठीक है ना, तो दुनिया डरती है। कैसे रखे जाएंगे दलितों के अधिकार सुरक्षित? दलितों इसी तरह से सड़कों पे उतरेंगी महिलाएं, हमारी अमृता धवन जी के नेतृत्व में, सुष्मिता देव जी के नेतृत्व में हम महिलाएं ऐसे ही आएंगी, अपनी हक की आवाज खुद ही उठानी पड़ेगी, इस सरकार से तो उम्मीद नहीं है। राजस्थान में भी तो दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ तो आपकी सरकार है ना। बिल्कुल ठीक बात है, दलितों के साथ वहाँ भी अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ पर भी हम खामोशी से नहीं बैठे, वहाँ पर भी अशोक गहलोत जी फैसले करते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि वहाँ फैसले नहीं फैसले हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन तो फैसले भी नहीं हो रहे ना। फैसले तो यहाँ नहीं हो रहे ना, वहाँ तो हो रहे हैं, जहाँ हमारी सरकार है वहाँ फैसले तो हो रहे हैं, यहाँ फैसले नहीं हो रहे क्योंकि यहाँ मोदी और शाह की सरकार है। डर क्यों नहीं है फिर आप लोगों में, क्या वजह, क्या लोगों में डर क्यों नहीं है? जिस दिन हम हथियार उठा लेंगे ना महिलाएं, उस दिन सारा डर आ जाएगा, सरकार के अंदर तक आ जाएगा। मोदी से चुप्पी क्यों नहीं खोल रहे भाई? चुप्पी खोले, चुप्पी क्यों कर रखा है? और दिल्ली सरकार से भी कहते हैं कि जो दिल्ली के अंदर रेप हुआ है उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई है, इसलिए पूरी कांग्रेस पार्टी आज इकट्ठा होकर आई है और कांग्रेस पार्टी हमेशा इसके लिए आवाज उठाती रहेगी। अच्छा, लेकिन जो सरकार है वो तो बड़ा शोर मचाती है कि बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो शोर मचाते हैं शोर समझ नहीं आता है, आवाज उठानी चाहिए। कांग्रेस आवाज उठाती है और भारतीय जनता पार्टी शोर करती है, जो जनता को अब समझ नहीं आ पा रही है, और उसी शोर के अंदर ही महिलाओं के साथ जो ये दुष्कर्म कर रहे हैं वो सबके सामने है। इस कार्यक्रम है कांग्रेस का, उसमें दलितों को लेकर आवाज उठाई जा रही है, आखिर दलितों की महिलाओं को न्याय क्यों नहीं मिलता है, क्या वजह है? न्याय मिलेगा क्योंकि अभी सरकार मोदी जी की है तो वो हर मामले को दबा देते हैं, लेकिन कांग्रेस अब बहुत ही जागरूक और आगरूक हो चुकी है। जिस तरह से कांग्रेस अब आवाज उठा रही है उससे इन महिलाओं को न्याय मिलेगा। हैदराबाद की महिला डॉक्टर के साथ में गैंगरेप हुआ था तो पुलिस ने एनकाउंटर में सारे लोग मार दिए थे चारों आरोपी, लेकिन यहाँ पे पुलिस भी सही तरह से काम नहीं कर रही है। नहीं, वैसे तो यही होना चाहिए कि उसी टाइम अगर उनको एनकाउंटर कर दिया जाए तो कुछ दिनों में ही ये जो कानून व्यवस्था है बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। अच्छा, यूपी की जो युवती से बलात्कार हुआ था दिल्ली में जिसको निर्भया का नाम दिया गया था, लेकिन जब दलित की बेटी से ऐसी घटना होती है उसका नाम उजागर कर दिया जाता है, फोटो सामने आ जाते हैं, उसकी पहचान नहीं छुपाई जाती है, ऐसा अत्याचार क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कम से कम उन दलित महिलाओं को जागरूक किया जाए कि इस टाइम पे जो भेड़िए बैठे हुए हैं आप अपने आप को उन भेड़ियों से बचा सको, लेकिन फिर भी हमारी कोई ना कोई महिला बेटी जो है वो इसका शिकार हो जाती है। अच्छा, तो ये आवाज़ हम उठाएंगे और कभी तो जागरूकता आएगी और बेटियों को न्याय मिलेगा।